subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में महानायक के नाम से प्रसिद्ध दो अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और अमिताभ बच्चन के बारे में, जिन्होंने 70 से 90 के दशक तक करीब 3 दशकों तक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया है। और आज अगर हम बात करें 80 के दशक में यानी कि सन 1980 से सन 1999 तक किस अभिनेता ने सबसे ज़्यादा हिट और सुपरहिट फिल्म दी है, तो आइए दोस्तों हम आपको बताते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इन 10 सालों के दौरान दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किसने किया था, तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए और इन दो सुपरस्टार के लिए हमारे इस वीडियो को दिल से लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की। दोस्तों अमिताभ बच्चन ने सन 1980 से सन 1999 तक कुल 31 फिल्मों में अभिनय किया था, जिनमें से राम बलराम, नमक हलाल, सत्ते पे सत्ता, शराबी, अंधा कानून, कूली, लावारिस और दोस्ताना जैसी कई लोकप्रिय फिल्में शामिल हैं। और वही अगर बात करें अमिताभ बच्चन जी की इन 31 फिल्मों में से उनकी हिट फिल्मों के बारे में, तो आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन जी ने इन 10 सालों में केवल 4 हिट फिल्में दी हैं और वही उन 4 फिल्मों में गिरफ्तार, शराबी, अंधा कानून और खुद्दार जैसी फिल्में शामिल हैं। जहां फिल्म शराबी ने 7 करोड़ 60 लाख, अंधा कानून ने 10 करोड़, खुद्दार ने 7 करोड़ और वही फिल्म गिरफ्तार ने 32 करोड़ रुपये कमाकर बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। और वही अगर बात करें उनकी सुपरहिट फिल्मों के बारे में, तो हम आपको बता दें कि अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अपने दौर में एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी थी और इन 10 सालों में अभिनेता अमिताभ बच्चन ने 6 सुपरहिट फिल्म दी है और उन 6 फिल्मों का नाम है दोस्ताना, नसीब, लावारिस, नमक हलाल, कूली और मद। बता दें कि इन 6 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट से भी ज़्यादा का कलेक्शन किया था, जिसमें फिल्म नसीब ने 7 करोड़ 25 लाख, फिल्म लावारिस ने 6 करोड़, फिल्म मर्द ने 8 करोड़ और फिल्म कूली ने 9 करोड़ रुपये की कमाई की थी। और वही उनकी 4 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई थी, जिनमें राम बलराम, सत्ते पे सत्ता और आखिरी रास्ता फिल्म का नाम शामिल है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं बॉलीवुड के डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती की। तो आपको बता दें कि उन्होंने सन 1980 से 1999 तक कुल 114 फिल्मों में अभिनय किया था, जिनमें शौकीन, डिस्को डांसर, ओ जो हसीना, प्यार झुकता नहीं, करिश्मा कुदरत का, स्वर्ग से सुंदर, अभिनाश, मुद्दत और डांस डांस जैसी और भी कई फिल्में शामिल हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती ने इन 10 सालों में अपने शानदार अभिनय से 114 फिल्मों में से पूरी 24 फिल्में हिट दी थी, जिनका नाम है मुझे इंसाफ चाहिए 1920, घर एक मंदिर, कसम पैदा करने वाले की, डिस्को डांसर, शौकीन, गुलामी, परिवार, वतन के रखवाले, प्यार का मंदिर और वक्त की आवाज़ जैसी हिट फिल्में शामिल थी। और वही इन फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें, तो डिस्को डांसर ने 3 करोड़ 25 लाख, घर एक मंदिर ने 3 करोड़ 40 लाख, करिश्मा कुदरत का ने 3 करोड़ 95 लाख रुपये की कमाई की थी। लेकिन दोस्तों बात करें उनकी सुपरहिट फिल्मों के बारे में, तो आपको बता दें कि इन 10 सालों के बीच में केवल एक फिल्म ही मिथुन चक्रवर्ती की सुपरहिट हुई थी, जिसे सन 1985 में निर्देशक विजय सदाना ने रिलीज किया था और उस फिल्म का नाम था प्यार झुकता नहीं। और उस समय इस फिल्म ने पूरे देश में 9 करोड़ रुपये की कमाई की थी और इस फिल्म के बाद उनकी एक भी फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित नहीं हुई थी। लेकिन दोस्तों उनकी 114 फिल्मों में से 8 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई थी और उन फिल्मों का नाम है हम 5, पसंद अपनी अपनी और बॉक्सर जैसी फिल्में भी शामिल थी। तो दोस्तों अब हम कह सकते हैं कि ये 10 साल मिथुन चक्रवर्ती के लिए काफ़ी अच्छी साबित हुई थी, तो वही दूसरी ओर अमिताभ बच्चन जी के लिए काफ़ी बुरी साबित हुई थी। इन 10 सालों में मिथुन चक्रवर्ती साहब ने सबसे ज़्यादा हिट और सुपरहिट फिल्म दी थी। वेल दोस्तों इस रिपोर्ट को देखकर आपको क्या लगता है कि 80s में मिथुन चक्रवर्ती या फिर अमिताभ बच्चन की कौन थे सबसे बड़ा सुपर स्टार, आप हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इसी तरह की रोचक जानकारी पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।